एक मंदिर के ऊपर बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। मंदिर के जीर्णोद्धार का वक्त आ गया, मंदिर की साफ सफाई होने लगी। उन कबूतरों को उड़कर पास के चर्च पर जाना पड़ा। चर्च पर कुछ कबूतर पहले से रह रहे थे, उन्होंने नए कबूतरों का स्वागत किया और खुशी खुशी रहने लगे। तब तक क्रिसमस का वक्त आ गया, चर्च की सफाई होने लगी, उन्हें वहां से भी जाना पड़ा। मुश्किल से उन्हें एक मस्जिद पर जगह मिल गई। मस्जिद पे भी कुछ कबूतर पहले से रह रहे थे। तब तक रमजान का महीना आ गया, मस्जिद की भी सफाई होने लगी। वो सारे कबूतर उड़कर वापस उसी मंदिर पर चले गए। एक दिन उन कबूतरों ने देखा कि मंदिर के नीचे कुछ व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। तो उनमें से छोटे कबूतर ने पूछा कि माँ, ये लोग कौन है और आपस में लड़ क्यों रहे हैं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये लोग इंसान हैं जो मंदिर जाते हिंदू कहलाते हैं, मस्जिद जाने वाले मुस्लिम कहलाते हैं और चर्च जाने वाले ईसाई कहलाते हैं। तो छोटे कबूतर ने फिर कहा कि माँ, हम लोग जहाँ भी गए हर जगह कबूतर कह रहे हैं, वैसे ये लोग भी इंसान कहलाने से गए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमें उस ईश्वर की शक्ति की अनुभूति है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर हम शांतिपूर्वक रहते हैं, मगर इन्हें उस शक्ति की अनुभूति नहीं है, इसलिए ये हमेशा लड़ते रहते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि हम धर्म के लिए लड़ने के बजाय आपस में प्यार करना सीख जाएं, तो उस दिन हमारा भारत महान बन जाए।